नमस्कार, मैं मयंक शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ स्वर ज्ञान गंगा चैनल पे। पिछले वीडियो में आपने जाना कि एप्लीकेशन की सहायता से आप अपने स्वरों को कैसे पहचानें, वो सही हैं या गलत हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब आप अपने स्वरों को पहचानने लगे, सही गलत स्वर, बेसुरा कंसुरा सटीक स्वर, ये जब आपको पहचान होने लगेगी तब फिर आप आगे अपने रियाज को कैसे बढ़ाएं, आगे क्या आपका रियाज का पैटर्न रहेगा, डेली रियाज आपका क्या होना चाहिए। तो आइए आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूं मयंक शुक्ला और आप देख रहे हैं स्वर ज्ञान गंगा। स्वर ज्ञान गंगा। डेली का रियाज आपका, जब आप शुरुआत करते हैं सीखने की, जिस समय आप शुरुआती दौर में होते हैं, उस समय आपका डेली का रियाज बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि आप क्या रियाज कर रहे हैं, कैसा रियाज कर रहे हैं, एक सही रियाज आपके गले को बनाएगा, उसी के विपरीत गलत रियाज अगर आप करेंगे तो आपके गले को प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका गला ख़राब भी हो सकता है, आपके स्वर खराब भी हो सकते हैं। तो सही रियाज करने का तरीका क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो के साथ में ही आप अपना रियाज कर सकते हैं, तरीका आप एक बार जान जाएंगे फिर आप डेली वैसे ही रियाज कर सकते हैं। उससे आपके स्वर बिल्कुल मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, बहुत ही साफ होंगे, गला साफ होगा। तो आप अगर चाहें तो इस वीडियो के साथ डेली भी रियाज कर सकते हैं। जितनी देर मैं बताऊं एक स्वर को लगाना है, आप वीडियो को पॉज करके उतनी देर स्वर को लगा सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा के आप फिर अगला स्वर लगा सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे रियाज कर सकते हैं इस वीडियो के साथ में, या फिर इस वीडियो को एक बार देख के या बार बार देख के आप रियाज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात यही है कि स्वर आपने जाने समझे, आपको डेली रियाज में भी स्वर ही गाने हैं और साथ में अलंकार गाने हैं। शुरुआत में आपको सा लगाना है, कितनी देर ये आप डिसाइड करेंगे। जब तक आपका गला साथ दे, आराम से आपका मन साथ दे, आप बोर ना हो जाएं उससे, कम से कम आधा घंटा या 25-20 मिनट आपको सा पूरे अच्छे तरीके से लगाना ही चाहिए। अब बात आती है कि सही सा आप कैसे लगाएं। तो बहुत ही आसान सी बात है कि संगीत मुलायमियत की चीज़ है, सुनने में अच्छी लगती है, तो आप जो स्वर भी लगाएंगे वो भी सुनने में अच्छा लगना चाहिए। उसके लिए आप धीरे से अपने सा को या किसी भी स्वर को आप धीरे से शुरू करेंगे लगाना और धीमे से छोड़ेंगे। तो आइए मेरे साथ आप रियाज को शुरू करिए, मैं आपको बताता हूँ कि सा को आप सही तरीके से कैसे लगाएं। मैं स्केल मॉडरेट ले रहा हूँ, बीच का स्केल ले रहा हूँ, ताकि बॉयज़ गर्ल्स पुरुष महिलाएं सभी इस स्केल पे रियाज कर सकें। फिर आप अपने स्केल से रियाज कर सकते हैं, एक बार आप इस चीज़ को समझ लेंगे साथ में गा के फिर आप अपने स्केल पे रियाज करिए। स्केल आप कैसे चुनेंगे ये भी मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ, आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप आई बटन पे जाके वो वीडियो पा सकते हैं। मैंने लिया है बी, पांचवे काले के जस्ट बाद वाला सफेद। सबसे पहले आप स्वर को बजाइए और उसको ध्यान से सुनिए। स्वर कुछ कहता है, स्वर की एक आवाज है, एक ध्वनि है, उस ध्वनि को सुनिए, उस ध्वनि को पहचानने का प्रयास करिए। कैसे, अब देखिए हारमोनियम में एक ये हमिंग आ रही है, आपको इस हमिंग को सुनना है और इसी हमिंग को आपको कॉपी करना है। धीमे से सांस बहुत जरूरी है, आपको अपनी सांस को कंट्रोल करना सीखना होगा। उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम बहुत फायदेमंद। हारमोनियम पे अगर रियाज कर रहे हैं तो आप हारमोनियम के दो स्वर सा और मंद्र सप्तक का पा आप खोल लीजिए और ध्यान से पहले दो चार मिनट सुनिए साउंड को, साउंड क्या कह रहा है। धीरे से आप सांस लेंगे, आप गले पे जोर नहीं डालेंगे, धीरे से सांस लेंगे और बड़ी ही मुलायमियत से आप सा बोलना शुरू करेंगे। देखिए कैसे, इस सा को आपको कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट लगाना है। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल भी विचलित मत होइए, सा पर ही रहिए, कोई दूसरा स्वर अभी लगाने की जरूरत नहीं है। आकार में गाइए इसी को,
सांस भरिए पूरी, धीमे से सात से शुरू करिए, सात ही खत्म, तीन से चार बार हमिंग में लगाइए। ये हुआ सा लगाने के बाद, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने मंद्र सप्तक के स्वरों में जाना है। डायरेक्ट कोई भी स्वर आपको नहीं लगाना है, धीमे धीमे नीचे जाएंगे, धीमे धीमे ऊपर जाएंगे। कैसे? सा आकार में लगाइए, हमिंग में लगाइए, फिर वापस आपको सा पे जाना है, धा पे अभी नहीं आना। आपको मुंह ना तो बंद रखना है ना बहुत ज्यादा इतना खोलना है, जितने में आपके अंदर की आवाज आसानी से निकल के बाहर आ जाए उतना ही आपको मुंह खोलना है। नीचे सा पे आए, फिर सा को स्वर में लगाइए, आकार में लगाइए, हमिंग में लगाइए, एक बार एक एक बार। फिर नी पे आइए, हर बार नई सांस भरिए। मैं आपको थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से जब आप करेंगे तो ये रियाज कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आराम से होगा और वो टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा। तो तीसरी बार सा हमिंग में लगा के फिर आप हमिंग में ही नी लगाइए, आकार में नी, स्वर में नी, अब स्वर में धा। स्वर में ये धा आप लगाइए 10 बार, फिर आकार में धा लगाइए, हर बार नई सांस भरनी है। 10 बार स्वरों में, 10 बार आकार में, 5 बार हमिंग में, फिर हमिंग में फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। सा पर आए, फिर सा को आकार में, फिर स्वर में, फिर यही स्वर नीचे की तरफ, सा। अब आपको आना है पा पे। पा अगर आपका सही से नहीं लग पाता है तो परेशान मत होइए, पहले हो सकता है आपकी बहुत स्लो आवाज, बहुत कम वॉल्यूम निकले पा पे, लेकिन आपको लगाते रहना है, धीरे धीरे आपका नीचे का स्वर खुल जाएगा। अब इस पा को 10 बार, आकार में 10 बार, हमिंग में 5 बार। अब हमिंग में ऊपर चढ़ेंगे, आप सा पर पहुंच गए वापस, आपका खर्च का रियाज हुआ। अब आप ऊपर के स्वरों में जाएंगे, वो भी बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से पूरा लगाया, फिर दस बार स्वर में, 10 बार आकार में, 5 बार हमिंग में, वापस सा पे आना है। अब फिर रे पे जाएंगे, एक स्वर और चढ़ेंगे, ध्यान देना यहां पे ये है कि स्वरों में जो पाई मात्रा लगे हैं आपको उनका भी ध्यान देना है। सा में बढ़िया की मात्रा लगी, आप उसे बोलते हो सा की मात्रा लगा के, रे में रे एक ही मात्रा, ग में कोई मात्रा नहीं, तो आप गा नहीं बोलेंगे बल्कि ग बोलेंगे। 10 बार स्वर में, 10 बार आकार में, 5 बार हमिंग में, फिर वापस आना है, रे सा, फिर ऊपर जाना है, रे ग, फिर आपको माँ को भी 10 बार स्वर में, 10 बार आकार में, 5 बार हमिंग में,
फिर वापस आना है, फिर सा से चलेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली ये बात है, जैसे सा बेस स्वर है, सिंगल होता है, अकेला होता है, पा भी अकेला होता है, तो आपका सा और पा दोनों स्वर मजबूत होने चाहिए। इसलिए आप सा और पा का सबसे ज्यादा रियाज करेंगे। पा को भी आप 10 बार स्वर में, 10 बार आकार में, हो सके तो ज्यादा करें, 5 बार हमिंग में करेंगे। फिर वापस आएंगे आप, फिर वापस चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, नी को भी आप 10 बार स्वर में, 10 बार आकार में, हमिंग में नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमिंग को भी 10 बार करेंगे आप। ये जो ताल सप्तक का सा है आपका, इसको आप बाकी स्वरों से थोड़ा सा कम गाएंगे। ऊपर के स्वर हम इतनी देर तक रियाज नहीं करते, ऊपर के स्वरों को लगाया जाता है और वापस आया जाता है। अब सा से ऊपर के स्वर, अब आप नीचे के सा से नहीं चलेंगे, तार सप्तक के सा से चलेंगे। सा, तार सप्तक के स्वर, सा रे सा, ऊपर के स्वर लगा के वापस आ जाएंगे आप, 2 बार स्वर में, 2 बार आकार में, 1 बार हमिंग में। कैसे? सा रे आ हम आ रे गा रे सा रे गा आ रे सा मा जाएंगे, रे जहां तक तार सप्तक में आपका स्वर आसानी से पहुंचे वहां तक आप गाइए। उसके ठीक ऊपर का एक स्वर आप बस लगाने की कोशिश करके वापस आ जाएंगे, जैसे सा रे गा मा मा आपका लग रहा है। अब पा पे आप जाने की कोशिश करेंगे, वो कैसे, जल्दी से मा थोड़ा और ऊपर जा रहा है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। सा रे गा मा पा धा मा म ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नी धा पा म ग रे सा, नी धा पा म ग रे सा, सा नी धा पा म ग रे सा। वापस आपको फिर वही अपने सा पे आ जाना है। तो इस तरह से आप बेसिक रियाज ये सुबह के टाइम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी आप सो के उठ सकें। ये रियाज आपको बेसिक जरूर करना है, इस रियाज से आपके स्वर पक्के होंगे, स्वर गले में बसेंगे। और ये रियाज करने से पहले आप एक बार पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसमें ये बताया गया है कि आप अपने स्वरों को सही या गलत कैसे पहचाने, क्योंकि गलत स्वर आपको नहीं गाना है, बिल्कुल भी नहीं गाना है, आपको सिर्फ सही स्वर ही गाना है। समय चाहे जितना लगे उसके लिए आप तैयार हैं, लेकिन आपको रियाज सही ही करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही सहायक सिद्ध हुआ होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ मयंक शुक्ला और आप देख रहे हैं स्वर ज्ञान गंगा।